जंगली जानवरों में हायना की इमेज एक राक्षस प्रवृत्ति के जानवर की है, लेकिन वाइल्ड लाइफ लवर्स के अनुसार हायना एक बहुत इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग जानवर है। हायना एक सामाजिक और सोफिस्टिकेटेड नेचर का प्राणी है। एक हायना अपने कबीले के सभी मेंबर्स को उनकी सीनियोरिटी के अनुसार याद रख सकता है। हायना एक बहुत तेज शिकारी होता है। हायनाज में अफ्रीकी हायना एक अलग स्थान रखते हैं। ताकत के मामले में अफ्रीकी हायना शेरों के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। इनके भोजन का एक बड़ा हिस्सा जीवित शिकार से आता है। यहाँ हायना का एक झुंड कठिन समय से गुजर रहा है। शुष्क मौसम चल रहा है। इनके सभी शिकार जैसे वाइल्ड बीस्ट, इम्पाला आदि हरी घास के मैदानों की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से हायना को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। हायना अकेले रहकर भी शिकार कर सकता है, छोटे ग्रुप्स में रहकर भी शिकार कर सकता है और बड़े बड़े झुंडों में भी। हायना अपने इलाके में भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते अगर उन्हें लाशों की बदबू आ जाए तो फिर कहना ही क्या। यहाँ एक लेपर्ड अपने शिकार को लेकर एक पेड़ पर चढ़ा बैठा है और अपने शिकार का धीरे धीरे आनंद ले रहा है। तभी इस पर एक हायना की नजर पड़ती है और हायना भी इस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर सब्र रखने के बाद हायना पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। हालांकि हायना अपने बॉडी स्ट्रक्चर के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। बेचारा हायना सिर्फ उछाल मार कर रह जाता है। शिकार न हाथ लगने की निराशा आप हायना के चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ अफ्रीका के जंगलों में हायनाज को अभी अभी एक गोल्डन चांस मिला है, एक जेब्रा के रूप में। भारी भरकम जेब्रा का शिकार हायना के लिए उतना आसान भी नहीं, क्योंकि जेब्रा का वजन लगभग 750 पाउंड के आसपास होता है। हालांकि जेब्रा का सबसे अच्छा हथियार उसकी दुलत्ती होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर दुलत्ती किसी ताकतवर शेर को भी लग जाए तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए जो भी जानवर जेब्रा का शिकार करता है वो सबसे पहले जेब्रा की पीछे वाली टांगों को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। हायना झुंड में रहते हैं और झुंड में रहकर ही शिकार करते हैं। हायना एक बेहद चालाक शिकारी होता है जो कि दौड़ने में भी माहिर होता है। यहाँ भी हायनाज ने दौड़ते जेब्रा की पिछली टांगों के पास अटैक कर करके ना तो उसे दौड़ने के काबिल छोड़ा ना ही दुलत्ती के। जैसे ही जेब्रा ने हथियार डाले, हायना ने उस जिंदा जेब्रा को ही खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो जिंदा जेब्रा एक शव बन चुका था। ड्राई सीजन में शव हायना के भोजन का एकमात्र साधन होते हैं। हायना की आदतों के कारण उसे जंगल का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह के मांस को खाने में सक्षम होता है, चाहे वो ताजा मांस हो या सड़ा हुआ। हजारों भैंसों का एक झुंड जिस पर पड़ चुकी है नजर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शेरों की। अफ्रीकी जंगलों में जंगली भैंसें बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। जंगली भैंसें झुंड में रहना पसंद करती है, जिसका लीडर एक भैंसा होता है, यानी मेल भैंस। इनके झुंड में भैंसों की संख्या 8 से 10 से लेकर हजारों भी हो सकती है। जंगली भैंसें देखने में जितने खतरनाक होती हैं, ताकत में उससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसका उदाहरण आपको इस वीडियो में मिलता है, जब एक भैंस अपनी कमर पर चढ़े शेर को पटकनी देकर सेफ निकल गई। यहाँ एक शेर ने भैंसों के एक छोटे झुंड पर हमला कर अपना शिकार दबोच लिया। शिकार के गिरते ही शेर के अन्य दोस्त भी वहां जाते हैं। साथ ही आते हैं कुछ बिन बुलाए मेहमान, यानी कि हायना। हायना अपनी आदत के अनुसार शेरों के शिकार को चुराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर असफल ही रहते हैं, क्योंकि शेर इतनी तादाद में है कि वो अपना शिकार तो बचा ही सकते हैं, साथ ही 2-4 हायना का शिकार और कर सकते हैं। हुआ भी यही, शेरों ने हायना के झुंड को वहां से खदेड़ दिया और साथ में शिकार किया, वो अलग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।